हेलो देयर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्विक एंड इजी पसंदीदा बनाने की रेसिपी। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। इन पसंदों को बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम मीट लिया है और इसके इस तरह से स्लाइसेस करवा लिए हैं, और ये बड़े बड़े स्लाइसेस हैं जिस पे हैमर लगवा ली है मैंने। इसके अलावा स्पाइसेस में मेरे पास है यहाँ पे 1 टीस्पून फुल क्यूमिन सीड पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, 1 टीस्पून फुल कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून फुल चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये एंड में जाएगा। इसके अलावा 2 मीडियम साइज अनियन, 2-3 ग्रीन चिलीज, 1 टेबल स्पून फुल जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 कप कोरिएंडर और थोड़े से मिंट लीव्स, और साथ ही मैंने लिया है 1 कप योगर्ट। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में अनियन को स्लाइस कर दिया है और अब मैं इसमें 1/2 कप ऑयल डालूंगी। पसंदों में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, उसी से टेस्ट आएगा, आप जितना चाहें उतना यूज़ करें। इसको ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूंगी। यहाँ पे मेरे अनियंस ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसमें ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके बाद मैं इसमें पसंदीदा ऐड करूंगी, इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस को ऐड कर लूंगी, सिर्फ गरम मसाला मैंने रोक लिया है, वो लास्ट में ऐड करूंगी, और इसको फिर मिक्स करके कवर कर दूंगी यहाँ तक कि मीट का अपना पानी रिलीज हो जाए। अभी मैं इसे प्रेशर नहीं दे रही, जस्ट इसको लिड लगाऊंगी ताकि मीट का अपना पानी रिलीज हो जाए। मीट ने अपना काफ़ी पानी रिलीज कर दिया था और मैंने अब इसे भून लिया है। आप देख सकते हैं ऑयल सरफेस पे आ गया है। अब इस मीट को गलाने के लिए मैं यहाँ पे 3/4 कप पानी यूज़ कर रही हूँ और फिर मैं इसे प्रेशर दे दूँगी। अगर आप पॉट में बना रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड करें। अब मैं मीट को सॉफ्ट होने तक प्रेशर दे रही हूँ। यहाँ पे मीट अच्छी तरह से गल चुका है, अब मैं इसमें दही को ऐड कर दूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके दही का पानी ड्राई होने तक इसको कवर करके बना लूंगी। यहाँ पे पसंदीदा रेडी हो गए हैं। अब लास्ट में इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ में हरा धनिया, हरी मिर्चें और मिंट लीव्स, और इसको 5 मिनट के लिए मैं दम कर दूंगी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।